आप सभी को नमस्कार। यूथ रिच के लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार, आज आपके सामने कक्षा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने वाला हूँ। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। ABCD हमारे पास एक क्वाड्रेंटल है और उसके अंदर क्या है कि जो इसके जो डायगनल है AC और BD वो एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ के अंदर पहले गिवन है और हमने शो करना है कि जो ये ABCD है ना, ये ट्रेपेजियम है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसे जो लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 9 था और ये 10 है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हरियाणा बोर्ड के अंदर तो हर साल ये क्वेश्चन जरूर जरूर आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर। In which its diagonal intersect each other at point O और इसमें दिया हुआ है AO अपॉन में BO और CO अपॉन में DO। ये एक्सप्रेशन इसके अंदर हमारे मैथ में ये चीज़ दिया हुआ है। चलिए अब हमें क्या प्रूव करना है इसके अंदर, वो लिखते हैं। व्हाट वी हैव टू प्रूव नाउ, इस चैप्टर के अंदर हमने प्रूव करना है कि ABCD है वो एक ट्रेपेजियम है। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। क्या प्रूव करना है बच्चों? ABCD से ट्रेपेजियम को यू कह सकते हो आप। ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए आपको AB पैरेलल DC होना पड़ेगा। AB पैरेलल DC, तो ये चीज पे प्रूव हो जाएगी। तो ये आपने इसके अंदर प्रूव करना है। चलिए अब सेम वही प्रॉब्लम कि अभी तक हमने थ्योरम 6.1 और 6.2 पढ़ी है। 6.1 थ्योरम उसी ट्रायंगल के अंदर लगती है जिसके अंदर दो पेयर ऑफ साइड आपस में पैरेलल होती है। तो यहाँ पे तो कोई भी पैरेलल नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ इसमें हमें ड्रा करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन होगा, तो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। इसका नाम देता हूँ मैं EO पैरेलल DC। ड्रॉ EO पैरेलल DC। आप AB के पैरेलल में ड्रॉ कर सकते हो, ये कोई बर्डन नहीं है। बट कंसेप्ट के हिसाब से चलो, आप AB के ड्रॉ करोगे तब भी ये बनेगा, DC का वो उससे हमने एक तरह से प्रूफ कर लिया। चलिए हम प्रूफ के अंदर चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC में ABC इसमें दे रखा है EO पैरेलल DC। ये हम कहां से लेकर आए बच्चों? लेकर आए हैं बाय कंस्ट्रक्शन से हमने इसको ऐसे एज्यूम किया है। तो ये होता है तो फिर क्या होता है, हम 6.1 थ्योरम लगा सकते हैं कि ये वाला पार्ट बटे में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बटे में ये वाला। इट मीन्स हमें यहां मिलेगा कि AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC बाय BPP। इसके हिंदी में आधारभूत अनुपातिक थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम या थेल्स थ्योरम या 6.1 थ्योरम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अगर कोई ट्रायंगल है नहीं जिसमें पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो तो ये भी चीज गिवन है, इसका भी यूज करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। बट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये कहाँ से लाए हम? ये गिवन के अंदर है बच्चों, ये गिवन के अंदर दिया हुआ है। तो अभी देखो क्या मैच होता है, नहीं AO अपॉन OC है, इसको इसको इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं,
मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा ये ए ओ मल्टीप्लाई इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो डी ओ और बी ओ मल्टीप्लाई सी ओ, तो हमें ए ओ के नीचे ओ सी चाहिए, तो ये स्ट्रिंग चला जाएगा, ये स्ट्रिंग चला जाएगा, इट मीन्स ए ओ बटा में ओ सी या सी ओ, और इधर बी ओ अपॉन में डी ओ। समझ आया बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यहां पर कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो बच्चों यहां से हमें फिर क्या मिलेगा देखते हैं। तो देखो दोनों में ये एक पार्ट कॉमन नजर आ रहा है, इसका मतलब फिर ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे इससे हमें क्या मिलेगा बच्चों, ए ई अपॉन ई डी और बी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें मिला। अभी किस ट्रायंगल के पार्ट देखो, ए डी ओ में ए ई अपॉन ई डी और बी अपॉन डी, है कि नहीं। लिखेंगे बाय थ्योरम 6.2 क्या था कि अगर ऐसे कोई ट्रायंगल हो और उसमें ये इसके रेशियो बटा में ये या इसके बटा में ये या इसके बटा में ये या इसके बटा में ये इनका रेशियो प्रोपोर्शन में इक्वल हो तब ये लाइन इसके पैरेलल होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा कि ई ओ पैरेलल ए बी, लेकिन बट हमने ई ओ किसके पैरेलल माना हुआ है, डी सी को। EO parallel DC कहाँ से, by construction से ऐसा था हमने, तो यहाँ से भी compare करें, it means it implies that यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि AB parallel DC, और यूं कह लीजिए आप कि ABCD is a trapezium, ठीक है बच्चों, hence proved। तो बच्चों आज आपने एक्सरसाइज 6.2 फिनिश हो गई है, तो आपको जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह हैं आप हमें हमारे चैनल जो यूथ रिच रिमिडियल यूथ रिच के नाम से जो हमारा चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों को मैसेज करें ताकि इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लोग लाभ उठा सकें। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।